हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ये छोटे बच्चों के लिए स्लीपिंग बैग बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी पैटर्न है ये, मैंने जो बनाया है वो 3 to 6 months के लिए बनाया है, लेकिन मैं आपको आगे वीडियोस में बता दूंगी कि किस तरीके से आप और भी साइज़ बना सकते हैं। तो इसमें जो मुझे यार्न यूज़ हुई है वो 200 ग्राम करीब यार्न यूज़ हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, इसके लिए जो मैंने क्रोशिया लिया है वो 5.5 mm का क्रोशिया है और इसकी जो यार्न है, वैसे तो 4-ply यार्न है लेकिन ये काफ़ी मोटी यार्न है और ये है गंगा की एक्रोवल डिज़ायर यार्न है। ठीक है, काफ़ी मोटी यार्न है। वैसे तो इस पर 6.5 mm का हुक लिखा हुआ है लेकिन ये 5.5 mm काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, वैसे आप बड़ा भी ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो बना रहे हैं हम, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको नाप लेते रहना है, इसके साथ साथ नाप लेते हुए बनाएंगे। तो नाप किस तरीके से लेना है मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊँगी। वैसे थोड़ा बहुत मैं अंदाज़ आपको बता दूंगी कि किस तरीके से लेते हैं नाप। तो बच्चा घर में है तो आप उसके नाप से ही बनाइए। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने स्लिप नॉट बनाई, चैन वन बनाएंगे, चैन वन हमारा स्टिच नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे हम 12 double crochet बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और इसके लिए आप मोटी यार्न लेंगे तो जल्दी बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरह की चीज़ों में अगर हम मोटी यार्न यूज़ करते हैं तो जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता है, तो बारीक यार्न से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब देखिए, मैं 12 double crochet बना लेती हूँ, फिर हम सेकेंड रो बनाएंगे। तो ये देखिए, 12 बना लिए हैं, 12 double crochet बना लिए हैं और जब मोटी यार्न से बनाएंगे तो ये गर्म भी काफ़ी रहेगा। अब देखिए, इसको ये जो टेल है इसकी, इसको इस तरीके से पकड़ के खींच देंगे। अब ये जो हमने फर्स्ट चैन और जो फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था, देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में। फिर से देखिए, चैन वन बनाएंगे और ये फर्स्ट वाले स्टिच में ही 2 double crochet बनाएंगे जहाँ पे हमने चैन वन बनाई है। वन, टू, तो ये जो रो है इसमें हर एक स्टिच में हमें 2 double crochet बनाने हैं। तो फर्स्ट वाली रो में हमने 12 double crochet लिए थे तो सेकंड वाले में 24 होंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेरी हो या आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के कि जो लिंक है, उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी मैं अपडेट डालती रहती हूँ, जो मैं बनाती हूँ उसकी फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ जाती हूँ। तो ये सेकेंड वाली रो भी हमने पूरी कर ली है। हमेशा हमें हर बार जब स्टार्ट करेंगे चैन वन से स्टार्ट करेंगे और जब लास्ट में आएंगे तो ये फर्स्ट चैन और फर्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में, या देखिए डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर स्लिप स्टिच अटैच करना है। थर्ड वाली रो बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और देखिए यहीं पे 2 double crochet बनाएंगे, 1 और ये 2। ओके, अब एक स्टिच छोड़ेंगे और एक में डबल क्रोशिया, सॉरी जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें 1 double crochet बनाएंगे। फर्स्ट में हमने 2 बनाए, सेकंड में 1 बनाया। अब देखिए, थर्ड वाले में 2 double crochet बनाएंगे, फिर फोर्थ में 1 double crochet बनाएंगे। तो इसी तरीके से राउंड में बनाते हुए ये आ जाएंगे, इस रो को पूरा बना लेंगे। जब लास्ट में यहाँ आएंगे तो ये हमारा लास्ट वाला जो स्टिच होगा वो 1 double crochet का होगा। ठीक है, लास्ट वाला डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे 1 double crochet का वो आएगी, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे लास्ट वाला स्टिच 1 double crochet होगा। ठीक है, इसको बना के भी मैं आ जाती हूँ।
तो ये देखिए थर्ड वाली रो भी पूरी कर ली है, फोर्थ वाली बनाएंगे। तो सीक्वेंस है वो इसी तरीके से चलेगा। अगर आपको बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, अगर आपकी पतली यू यार्न है तो आपको ये रो ज़्यादा बनानी पड़ेंगी, और अगर सेम है तो आपको इतनी ही रो बना लीजिए, जितना आपको चाहिए। मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप आगे इसका नाप ले सकते हैं। तो जितना आपको चाहिए उस हिसाब से ये सीक्वेंस इसी तरीके से चलेगा। हर रो में हमारे 12 डबल क्रोशिए बढ़ेंगे। इसमें 12 है, इसमें 24 है, इसमें 36 है, इसमें आगे वाले में 48 होंगे। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, हर बार चैन वन और फर्स्ट वाले स्टिच में ही 2 डबल क्रोशिए बनाएंगे। तो पहले में हमारे एक एक डबल, हमने 12 डबल क्रोशिए बनाए थे, सेकेंड वाले में हमने बनाए हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिए, उसके बाद हमने बनाए 2 1 2 1 2 1। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 से स्टार्ट किया है, 2 स्टिच में 1 1 बनाएंगे, अगली जो रो होगी उसमें 3 स्टिच में 1 1 बनाएंगे, फिर हर फोर्थ वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो यही पैटर्न आगे भी, जैसे फिर हम 4 में 1 1 बनाएंगे, फिफ्थ वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, स्टार्ट हर बार 2 डबल क्रोशिया से करेंगे, और लास्ट वाला जो स्टिच होगा वो 1 डबल क्रोशिया आएगा। देखिए हमने 2 1 1 फिर 2 फिर 1 1 2 इस तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से ही मैं आगे वाली रो बना लेती हूँ जितनी मुझे बनानी है, फिर उसके बाद आगे किस तरीके से बनाना है ये आपको बताऊँगी। सीक्वेंस यही रहेगा, हर रो में 12, अगर 12 डबल क्रोशे से स्टार्ट किया है तो हर रो में 12 स्टिच ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आगे की रो बना के फिर आपको आगे का पैटर्न बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 रो बनाई है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अगर इसको नापेंगे तो इसका जो डायमीटर है वो 6.5 इंचेस हो रहा है। तो अभी जब हम इसको अब स्टिच बढ़ाना बंद कर देंगे, पैटर्न डालेंगे, तो भी थोड़ा सा थोड़ी देर बढ़ेगा। तो देखिए अगर आपने कोई और यार्न और कोई और क्रोशिया लिया है तो भी आप देखिए ये 6.5 इंचेस का हो रहा है। अगर 7 इंचेस तक का भी आपका होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई और स्टिच और कोई यार्न और कोई क्रोशिया लेते हैं तो थोड़ा सा नाप का अंतर आएगा ही। ठीक है, अब देखिए क्या पैटर्न डालेंगे। और देखिए और साइज़ बना रहे हैं तो आप इसे 1 इंच और बढ़ा लीजिए, और बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो 1 इंच का आप और रो बढ़ा लीजिए, तो इसमें 7.5 इंचेस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम पैटर्न डालेंगे, चैन वन बनाएंगे, और देखिए यहीं पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चैन वन बनाएंगे, और यहीं पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम 1 2 3 4 3 स्टिच छोड़ेंगे, और जो फोर्थ वाला है उसमें 2 डबल क्रोशिए, 1 2 चैन वन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिए और यहीं पे बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 छोड़ेंगे और फोर्थ वाले में 2 डबल क्रोशिए, चैन 1 2 डबल क्रोशिए बनाएंगे। बनाते हुए यहाँ आ जाती हूँ लास्ट तक। तो ये देखिए सिक्स्थ वाली रो के एंड में आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 स्टिच ही बचे हैं, 1 2 3, और देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट वाली चैन और फर्स्ट डबल क्रोशिए के बीच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए जो रो हम अब बनाएंगे नेक्स्ट दो, वही हमें आगे तक रिपीट करनी होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, देखिए एक स्लिप स्टिच बनाया, ये आ गए, चैन वन बनाएंगे, और देखिए ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया नहीं, देखिए सेकंड वाला, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और यहीं से स्पेस में बनाएंगे। बहुत इजी पैटर्न है लेकिन बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और देखिए अब ये जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट वाला, ये देखिए ये वाला जो स्टिच है, ये दो स्टिच हैं,
फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे और जो सेकंड वाला है उसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे। और ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे, और वन डबल क्रोशिया और इसी में बनाएंगे, और जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे। ये वाला जो स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे, ठीक है। उस रो को मैं बनाते हुए देखिए यहाँ पे आएंगे, इस वाले को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया, चैन वन, वन डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले को फ्रंट पोस्ट बना देंगे। बनाते हुए राउंड में यहाँ आ जाती हूँ। तो ये देखिए ये सेवन्थ वाली रो भी हमने बना लिया। देखिए बनाना सेम, अब जो बता रही हूँ आपको, आपको वो आगे तक बनानी है आपको, फिर जहाँ चेंज करनी होगी मैं आपको बता दूँगी। तो देखिए यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिचेस को अटैच कर दिया, एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में आ जाएंगे, चैन वन बनाएंगे। और देखिए ये वाला जो स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। पिछली जो रो बनाई थी सेम वैसे ही है, बस मैं आपको एक बार बता देती हूँ। और ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और वापस से वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर देखिए ये वाला जो स्टिच है नेक्स्ट वाला इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे। अब ये देखो ये वाला स्टिच छोड़ना है, ये वाला स्टिच छोड़ना है, और ये वाला जो है इसके जैक्स बीच के दो स्टिच छोड़े, और जो थर्ड वाला है उसको फ्रंट पोस्ट बनाना है, चैन वन के जस्ट पहले वाला स्टिच, और इसको वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन के स्पेस में चैन वन बनाएंगे और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर देखिए इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो इसी तरीके से आप बना लेंगे। पहले मैं थोड़ा बना के फिर आपको बताऊंगी कि नापना आपको किस तरीके से। तो पहले ये जब हम बनाएंगे तो ये धीरे धीरे करके ऊंचा होता जाएगा, अभी तो थोड़ा फैल रहा है, थोड़ी देर में ये ऊंचा होने लगेगा। तो मैं कुछ रो बना के आपको बताऊँगी कि आपको नाप किस तरीके से लेना है इसका, कि आपको कितना नाप होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टोटल मैंने 14 रो बना ली हैं, ठीक है। तो आपको नाप कैसे लेना है ये देखिए, यहाँ पे हम यहाँ से अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने लगा है, अब इससे ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो जब आप इसको बना लें तो आप इस तरीके से नाप लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये देखिए 10 और थोड़ा सा और बढ़ेगा तो 11 इंच करीब हो जाएगा। तो देखिए बच्चे की चेस्ट और उसके हाथ दोनों इसके अंदर आ जाने चाहिए, ठीक है। तो चेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, हाथ थोड़ा सा सिकुड़ के आएंगे, सही चेस्ट से इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। तो ये देखिए 9 9 18, 3 to 6 मंथ के लिए 18 इंचेस की चेस्ट लेते हैं हम, ठीक है। 18 इंचेस की चेस्ट हो रही है तो इसमें ये 1 इंच और ज़्यादा, 2 इंच और ज़्यादा हो रहा है, तो ये देखिए 20 इंचेस का हो रहा है, थोड़ा सा और स्ट्रेची है वैसे, तो ये और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो जब इसको बच्चे को इसमें रखेंगे तो आप बच्चे थोड़ा सा खींचेगा और वापस ही स्ट्रेच हो जाएगा और उसको फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी साइज़ बना रहे हो आप इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे जब रो बढ़ाएंगे तो ये जो साइज़ है वो और बढ़ जाएगा। तो आपको जिस हिसाब से बनाना है उस हिसाब से आप थोड़ी रो और बढ़ाइए और फिर यहाँ पे बना के देखिए। ये आपको लग रहा है कि आपको जितनी चेस्ट और जितना चाहिए है, चेस्ट से थोड़ा ज़्यादा उतना हो रहा है, तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर वापस आइए थोड़ा सा उधेड़ के और फिर इसमें रो बढ़ा लीजिए, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप थोड़ी सी एक रो कम कर दीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं थोड़ी इसकी लंबाई पूरी कर लूँगी जितनी मैं मुझे करनी है, फिर उसके आगे बताऊँगी मैं आपको कि इसे इसको तो हम कंधे तक बनाएंगे, कंधे तक आना चाहिए ये, ठीक है। तो पहले मैं इतना बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए ये मैंने इसकी लंबाई पूरी कर ली और यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक 30 रो बनाई हैं, ठीक है। और ये 16 से थोड़ा सा ज़्यादा इंचेस का हो रहा है, तो अगर आपने कोई और क्रोशिया और कोई और यार्न ली हुई है तो आप इसको 16 इंचेस का बना दीजिए। और अगर आप इसको इस तरीके से नापेंगे चौड़ाई में इसकी, क्योंकि ये 10 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 10 इंच से जब स्ट्रेची है काफ़ी, तो ये काफ़ी स्ट्रेच होगा, ठीक है। 10 इंच से यहाँ आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा जब अब इस पैटर्न को बनाएंगे काफ़ी स्ट्रेची पैटर्न है तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अब अगर बच्चे को आराम से आ जाएगा।
टेन इंच का हो रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें कैप बनाएंगे। वैसे बहुत तरह के पैटर्न बनते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मुझे लगता है कि ये वाला पैटर्न सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें कैप भी हम साथ में बना देंगे, अलग से कैप नहीं बनाएंगे। ठीक है, अलग से कैप वाले भी बनते हैं, तो इसमें हम साथ में कैप बनाएंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये 31 वाली रो है, चैन वन बनाएंगे। तो देखिए ये चैन वन बनाया हमने। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है, पैटर्न नहीं डालेंगे, चैन वन बनाएंगे। और देखिए यहाँ से अब ये कैप के लिए स्पेस बना रहे हैं हम। तो यहाँ तक हमने ये कंधे तक का हिस्सा बनाया है, ये नीचे पैर से लेके और कंधे तक का हिस्सा यह है। और फिर अब हम कैप बनाएंगे इसके, और आगे से ये खुला रहेगा। तो जब हम ये स्टिच बनाएंगे वो यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ थोड़ा यहाँ तक बनाएंगे। मैं आपको बता दूँगी मैंने कितने बनाए हैं, तो ये मैं बना लेती हूँ। हर एक स्टिच में देखिए हमने एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक चैन वन के स्पेस में बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। इस तरीके से बना लेती हूँ मैं, फिर मैंने कितने बनाए हैं और कितना खुला रखा है ये भी आपको बता दूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 48 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, 48 तक डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ये खुला रहेगा इतना। ठीक है, अब देखिए चैन वन बनाएंगे और पलट जाएंगे इस तरफ, और फर्स्ट वाली जो ये देखिए फर्स्ट वाली स्पेस में ही वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड में आ जाती हूँ मैं, फिर किस तरीके से बनाना है आगे का ये भी बता दूँगी। ठीक है, तो ये देखिए 32 वाली जो रो है उसके लास्ट में आ गए हैं। तो ये जो फर्स्ट चैन और फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था, तो लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इन दोनों के बीच में बनाएंगे। फिर चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे, और फर्स्ट वाले स्टिच में ही वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो लास्ट वाला स्टिच होगा वो चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में बनाएंगे। तो इसी तरीके से कुछ रो मैं बना लेती हूँ कि बस यहाँ से हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा कंधे तक का हिस्सा हो गया। अब ये यहाँ नेक से लेके कंधे के ऊपर से लेके सिर तक का हिस्सा बनाएंगे, जिसमें सिर कवर हो जाएगा। ठीक है, कैप बनेगी ये, तो इसको मैं बना लेती हूँ, फिर इसको किस तरीके से सिलना है ये बताऊँगी आपको। तो ये देखिए ये मैंने रो बना ली है, यहाँ पे हमारा थोड़ा स्ट्रेच हो रहा था, तो यहाँ पे जब हम ये रो बनाएंगे तो थोड़ी सी फैलेंगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। थोड़ा सा बस आपको देखने में इस तरीके से लगेगा, देखिए अगर इसको इस तरीके से करेंगे तो बराबर में दिख रहा है, लेकिन इसका पैटर्न यहाँ पे स्ट्रेच ही है और यहाँ पे हमारा फैल रहा है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको बनाया है 6.5 इंचेस का। अब मैं ये जो आपको नाप बता रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, तो आप नाप लेके ही बनाइएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें यहाँ पर इसको कि देखिए बराबर में करना है। हमारे पास 48 स्टिच हैं, देखिए 24 स्टिच इस तरफ, 24 स्टिच इस तरफ, इस तरीके से बराबर में रख के और स्टिचेस को बराबर में एक के ऊपर एक सिलना है। तो इसको हम अंदर की तरफ से, ठीक है, अंदर की तरफ से पलट लेंगे। इस तरीके से, और देखिए यहाँ पे इसको क्रोशिया से ही सिल रही हूँ मैं, आप चाहें तो सुई से सिल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी ये रो ख़त्म हो रही है, हमने इसको इस तरीके से बराबर में आधा कर लिया। और देखिए ये देखिए यहाँ से हम क्रोशिया को डालेंगे फर्स्ट वाले स्टिच की, और ये वाला जो धागा है इसको देखिए इस तरफ ले लेंगे, चैन वन बनाएंगे, और देखिए यहाँ पे हम सिंगल स्टिच बनाएंगे, दोनों स्टिच को एक साथ लेंगे और सिंगल स्टिच बना देंगे इस तरीके से, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इस तरीके से लास्ट तक सिल लेंगे इसको। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको लास्ट तक यहाँ तक सिल लिया है। और जब आप यहाँ पे स्टिच लें तो आपको ध्यान रखना है इवन नंबर के स्टिच होने चाहिए, तभी हमारे यहाँ पे ये ढंग से जुड़ेंगे। ठीक है, ऑड नंबर मत लीजिएगा, नहीं तो एक आगे पीछे हो जाएगा। ये देखिए एक के साथ एक स्टिच, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, इस तरीके से हमने इनको जोड़ा है। अब देखिए यहाँ से काट देंगे इसको, और ये जो धागा है इसको इसमें से निकाल देंगे, फिर आप अंदर से इसको सुई में डाल के स्टिचेस में डाल दीजिए, इससे फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आ रहा है,
यहाँ पे हमने चैन वन से शुरू किया था, तो इसलिए हमारी ये जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल अच्छे से आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे फिनिशिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए पूरा बन गया है, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इससे इस तरीके से यहाँ आएगा और ये पूरा शरीर इसके अंदर आराम से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।